नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। डॉक्टर बीआर अंबेडकर सर्व समाज जागृति मंच की ओर से अंबाला के गांव कांवला में आयोजित बाबा भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में किसान मजदूर एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा नेता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून किसानों पर जबरन थोप दिए हैं। इन कृषि कानूनों को लागू करने की मंशा अपने चहेते पूंजीपतियों अंबानी और अडानी के हाथों में किसानों और जन साधारण के भोजन की व्यवस्था का नियंत्रण देना है। उन्होंने कहा है कि इन काले कानूनों से किसानों के साथ साथ समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा। किसान तो फिर भी अपने परिवार के लिए अन्य फल सब्जियां और दूध का उत्पादन कर लेगा, लेकिन ये सब खरीद कर इस्तेमाल करने वाले लोगों को कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी पूंजीपतियों की समर्थक सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों, मेहनतकश मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां थोप दी। देश की संपत्तियों और संसाधनों को औने पौने दामों में अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि कड़े संघर्ष के बाद हिंदुस्तान से अंग्रेजों की विदाई की गई थी, अब वक्त आ गया है कि इन काले अंग्रेजों को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह किसान मजदूर एकता सम्मेलन पर गांव कांवला जंडली में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ साथ डीजीपी रिटायर्ड हिमाचल प्रदेश पृथ्वी सिंह, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा डॉक्टर धर्मपाल लोचन ने अपने विचार रखे। अंबाला शहर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अब सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम कराया जा सकता है। पहले 20 से अधिक जहां जो ठेकेदार होता था उसके पास मजदूर होते तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, अब वो संख्या बढ़ा के 50 कर दी गई। पहले 10% लोग, यानी अगर किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर हैं तो 10 मजदूर यूनियन बना सकते थे, अब उसको 51% कर दिया गया। अब लेबर कोर्ट खत्म कर दी गई। पहले 14 दिन का नोटिस देके हड़ताल कर सकते थे, अब 2 महीने का नोटिस देके हड़ताल कर सकते थे। अब 300 जो कामगार हैं वो उद्योग बंद कर सकते हैं केवल नोटिस देके, और पहले जो 100 कामगार जिसमें काम करते थे वो उद्योग बंद करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अब महिलाओं से रात को भी काम करवा सकते हैं, पहले नहीं करवा सकते। अब भविष्य निधि में केवल 10% राशि जमा करवानी है, पहले 25% करवानी थी और उसका ब्याज भी 3% कम कर दिया गया। पेंशन खत्म कर दी गई है और लेबर कोड खत्म कर दी गई है। और भी बहुत से कानून हैं जो लेबर कानून खत्म कर दिए गए, यानी मजदूरों के ऊपर प्रहार किया गया, लेकिन हम नहीं बोले। अब किसानों का नंबर आया, जो 3 कानून बनाए उनसे खेती कानून नहीं।